नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। झारखंड में खत्म हुआ सियासी सस्पेंस, चंपई सोरेन को राज्यपाल का ग्रीन सिग्नल, बनाएंगे सरकार। झारखंड में हेमंत सोरेन के इस्तीफे और गिरफ्तारी के बाद सियासी पारा हाई है। गुरुवार की शाम चंपई सोरेन की राज्यपाल से मुलाकात हुई। अब झारखंड में सरकार बनाने के लिए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झामुमो विधायक दल के नेता चंपई सोरेन को आमंत्रित किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है, जिस पर राज्यपाल ने कहा है कि वह जल्द ही इस बारे में अपना विचार बताएंगे। देर रात ANI की रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्यपाल द्वारा चंपई सोरेन को सरकार बनाने के लिए न्योता भेजा गया है। राज्यपाल से मिले चंपई सोरेन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से गुरुवार को समय मिलने के बाद चंपई सोरेन के साथ चार अन्य विधायक भी राजभवन पहुंचे, राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। मौके पर राजभवन से बाहर निकलकर सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्यपाल ने कहा है कि जल्द विचार कर सूचित करेंगे। हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकेगा। हमारे पास पर्याप्त विधायकों का समर्थन है। 43 विधायकों का समर्थन हमने राज्यपाल को सौंपा है, यह संख्या शुक्रवार तक 47 हो जाएगी। जारी रहा सियासी ड्रामा। गुरुवार की शाम चंपई सोरेन की राज्यपाल से मुलाकात के बाद विधायकों से भरी हुई बस रांची एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। गठबंधन के ये विधायक फ्लाइट से हैदराबाद जाने वाले थे, हालांकि रांची में खराब मौसम के चलते उड़ान रद्द कर दी गई है। सभी विधायक अब वापस गेस्ट हाउस लौट आए हैं, स्टेट गेस्ट हाउस लौटे सभी विधायक। दरअसल रांची में गुरुवार सुबह और शाम बारिश हुई, पूरे शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। शाम से ही गठबंधन के विधायक एयरपोर्ट पर दो चार्टर्ड प्लेन में अंदर बैठे थे। मौसम खराब होने के चलते दोनों विमान एयरपोर्ट से उड़ान नहीं भर सके, ऐसे में गुरुवार की रात दोनों फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया। सभी विधायक अब स्टेट गेस्ट हाउस में वापस लौट गए हैं। हैदराबाद जाने का महागठबंधन के विधायकों का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। 10 दिनों में साबित करना होगा बहुमत। गुरुवार की शाम चंपई सोरेन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करने पहुंचे। बहुमत साबित करने गए चंपई को राज्यपाल ने जल्द ही इस मामले पर फैसला करने का भरोसा दिया है। चंपई ने बताया है कि उन्होंने राज्यपाल को एक रिपोर्ट सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि उनके पास 43 विधायकों का समर्थन है। हालांकि चंपई सोरेन को सरकार में काबिज रहने के लिए सदन में 10 दिनों के भीतर अपना बहुमत साबित करना होगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज टीवी।